गाइज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी आईडी Naushin381। सो गाइज, यहाँ पे जो आप फाउंडेशन देख रहे हैं, लैक्मी परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन, इसका आज मैं आपको बताऊँगी कि इसमें 4 शेड होते हैं और आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कौन सा शेड ले सकते हो अपने लिए। तो अगर दिक्कत होती है तो आज ख़त्म हो जाएगी आपको ये वीडियो देख के। बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखना है आपको, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 शेड होते हैं जिनके नाम हैं पर्ल, शेल और मार्बल, और एक है कॉरल। तो कॉल या कॉरल ऐसे करके कुछ नाम है, तो अगर मैं गलत बोलती हूँगी तो आप मुझे सही करवा देना। सो अगर आप फेयर स्किन टोन हो, जैसे आपकी स्किन बिल्कुल फेयर है, और अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हो या पिंक अंडरटोन हो, तब आपको क्या चाहिए? आपको पर्ल जो फाउंडेशन है, शेड नेचुरल पर्ल होगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और जो दो शेड होते हैं पर्ल और मार्बल, ये दोनों शेड फेयर अंडरटोन वाले को जाते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अगर आप इस तरीके की फेयर अंडरटोन हो या इस तरीके की फेयर अंडरटोन हो, तो आपको पर्ल भी लग सकता है। जो बहुत ज़्यादा फेयर है उनके लिए पर्ल, और जो थोड़ा बहुत येलो अंडरटोन में पर्ल, तो उनको मार्बल जाएगा। मार्बल नेचुरल मार्बल एक शेड है, वो जाएगा आपको। तो या और अगर आपकी स्किन टोन जो है वो मीडियम है, मीडियम अंडरटोन है विथ येलो टोन, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, आपके लिए भी एक जो लैक्मी है उन्होंने परफेक्ट शेड निकाला हुआ है। तो आपके लिए जो शेड लगे में दिख रहा है फेस, उसका अगर आपको वैसे अंडरटोन हो तो आप मार्बल ही यूज़ कर सकते हो, ख़राब बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल आपका अंडरटोन लगेगा। विथ येलो के लिए वो बनाया गया है, तो आप मीडियम टू येलो अंडरटोन उसे यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में जो लड़की का फेस दिख रहा है आपको, अगर आप उस कलर के अंडरटोन हो तो आपको शेल, जो आप शेल शेड है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, आप उसके साथ जा सकते हो। एंड दिस शेड इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा कलर है और आपके लिए बहुत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डार्क स्किन है, थोड़ी डस्की स्किन है, तो आपको शेड जो जाएगा वो है कोरल। कोरल जो शेड है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये था मेरा रिव्यू, और अगर आपको और इस फाउंडेशन के बारे में अगर कुछ जानना है, आपको चाहिए कि मैं इसका अलग से रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस फाउंडेशन से या किसी भी चीज़ से आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे, तो आपको बहुत अच्छी लगे हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई आपके लिए वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास आए। सो या गाइस, बाय।